guys, this is Bir Billing. Right now we are at Bir Billing और अभी सुबह का 8:30 हुआ है तो अभी हम लोग जाएंगे पैराग्लाइडिंग के लिए. सो देखते हैं कैसे रहता है. पैराग्लाइडिंग बेसिकली बीर बिलिंग काफ़ी फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो हमारा मेरा काफ़ी दिन से मन था यहाँ पर आने का, तो आज मौका मिला है. देखते हैं कैसे रहता है. आई शेयर द एक्सपीरियंस. बाय. फाइनली मैं बिलिंग पहुंच चुका हूं, तो अब हम जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग के लिए. देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है. लेट यू नो सून. और यहां से ना पूरी धौलंदा रेंज दिख रही है मुझे. कल हम धौलंदा रेंज के पास ही थे, तिरुण जा रहे थे, और आज हम बीर में खड़े होकर धौलंदा रेंज को देख रहे हैं. सो आप इमेजिन कर सकते हो कितनी बड़ी रेंज है ये. गाइज मैं चौकलिंग मॉनेस्ट्री आ चुका हूँ और मैंने अभी एक साइकिल रेंट की है. तो ये है मेरी साइकिल. अच्छी खासी ठंड भी हो गई है, रास्ता काफ़ी सुनसान भी है, बादल भी आ गए हैं. शेपलिंग मॉनेस्ट्री जा रहे हैं हम लोग, तो देखते हैं कितनी देर पहुंच पाते हैं. आई होप कि जल्दी पहुंच जाएँ और मौसम ज़्यादा ख़राब ना हो, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए वापस पहुंच पाना. मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है. आई वॉज़ नॉट होपिंग फॉर दिस. आई होप कि सब कुछ सही रहे एज आई वॉज एक्सपेक्टिंग, बट माउंटेन्स में कुछ भी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होता है. माउंटेन्स में मौसम बहुत ही ज़्यादा डायनामिक होता है. और अब चढ़ाई, जहाँ पर असली मेहनत लगती है. उतराई में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप बहुत आराम से उतर जाते हो, चढ़ाई में आपको पता चलता है फिर.
वो तो गियर वाली साइकिल है, तो इट इज मच बेटर एज कम्पेयर टू नॉर्मल साइकिल्स। अदरवाइज तो बैंड बज जानी थी आज। ये देखिए पूरा जंगल क्रॉस करके आ रहे हैं हम लोग। वैसे गाइज मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है माउंटेंस में बाइसिकलिंग का, साइकिलिंग का, बट इतना बुरा भी नहीं है यार। मैंने जो सोचा था मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा, आई थिंक साइकिल उसने ठीक दिया है। एक्चुअली जहाँ पर ढलान है वहाँ तो आपको बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बैठे रहो, और जहाँ पर ऊँचाई है थोड़ी सी वहीं पर बस आपको पैडल मारने की ज़रूरत है, अदरवाइज तो इन्जॉय करिए नेचर को, कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मुझे तो मज़ा आ रहा है, शुरुआत में मुझे डर लग रहा था बट आई एम नाउ एंजॉयिंग। शुरुआत में बैलेंस बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, काफ़ी टाइम बाद मैंने साइकिल को हाथ लगाया है, लेकिन अब जो है मज़ा आ रहा है काफ़ी अच्छा। और मैं सब कुछ ठीक रहे प्लान रहे गॉड फॉरविट, और इसी तरह से इन्जॉय करते हुए चले। गाइज यहाँ पर दो रास्ते हैं, लेफ्ट साइड वाला मॉनेस्ट्री के लिए जा रहा है, डिवाइड जो हो रहा था मॉनेस्ट्री नहीं नहीं मॉनेस्ट्री जा रहा था मैं, तो यही वाला है। ओके तो अभी जा रहे हैं हम मॉनेस्ट्री, बीच में डिवाइडर था, दो रोड जा रहे थे, तो लेफ्ट वाला रोड था फौजी ढाबे के पास जहाँ पर काफ़ी सारे फ्लैग्स भी लगे हुए हैं प्रेयर फ्लैग्स। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो लेफ्ट में ही रहेगा, लेफ्ट वाला रोड ही मॉनेस्ट्री के लिए जा रहा है। यहाँ पर थोड़े पत्थर हैं तो संभल के चलना ठीक रहेगा। ओके ढलान पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ब्रेक पे थोड़ा दबा के ब्रेक का थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ढलान पे, सामने से कोई आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझिएगा। ओके रोड भी ठीक है बट थोड़ा सा पथरीले हैं, लेकिन ढलान काफ़ी है, चढ़ उतरने में भले ही मुझे मज़ा आ रहा है लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊँ ये चढ़ने में बड़ी बैंड बजने वाली है, उतराई है पूरी पूरी उतराई है। अरे बाप रे, अच्छी खासी ढलान है और इस ढलान के बाद फिर उतराई आएगी तो दिक्कत हो जाएगी, समझे क्या। बस वहीं पैडल मारिए जहाँ पर थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाए, वरना पैडल मत मारिए क्योंकि पैडल मारने कोई फ़ायदा नहीं है, पैडल से तेज तो आपकी ऑलरेडी साइकिल चल ही रही है। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, मुझे वही वाली फीलिंग आ रही है, मेरी घर वाली मूवी वाली, हारी बाजी को जीतना जिससे आता है, अरे निकलेंगे मैदान में एक दिन हम झूम कर, धरती खाएगी ला 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 ला। राम से ढलान बहुत ज्यादा है बाबू, excuse me for monastery, the monastery is down that way, that way, yeah, okay. Have you by any chance seen one of these bikes lying by the side of the road anywhere? No. Okay. Thank you. Okay, best of luck. So hike aage hai, steep, and I have to push myself. Okay. Now it's okay. Itna mushkil bhi nahi hai. I think this whole village is quite good for bicycling, cycling, whatever you call. It is not so bad. It's quite good. I can see the monastery right now.
मुझे मॉनेस्ट्री दिखाई दे रही है फाइनली. मुझे लग रहा था कि मैं 6-7 किलोमीटर इतने दिनों बाद साइकिलिंग कर पाऊंगा या नहीं, वो भी पहाड़ों में, लेकिन ओके एक बार मैं वापस पहुंच जाऊं सेफली फिर मैं आपको ज़रूर इसका अच्छा फीडबैक दूंगा. अभी तक तो मेरा अच्छा रहा है लेकिन आगे और देखते हैं कैसा रहता है. सो गाइस, मेरा शेबलिंग मॉनेस्ट्री तक साइकिल से पहुंचने का सफर पूरा हो चुका है. मुझे वापस निकलना है. अंदर का माहौल मैं बताऊं, अंदर वीडियोग्राफी तो अलाउड नहीं थी तो मैं वीडियो तो नहीं बनाई अंदर, बट अंदर का माहौल ऐसा था काफ़ी मैजेस्टिक. में पहुंचा उस टाइम प्रेयर चल रही थी, इट वाज क्वाइट मैजेस्टिक यार, क्वाइट मैजिकल. आई हैव सीन सो मेनी लामास फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ सिटिंग टुगेदर एंड डूइंग प्रेयर. इट वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, so it was quite good. And a monastery is quite huge. I've seen the biggest monastery so far. If I've seen the biggest monastery so far, and it is that one. बहुत बड़ी monastery है और बहुत सारे lamas एक साथ मिलकर अंदर prayer कर रहे थे. It was heavy. उनकी voice नहीं ज़्यादा heavy लग रही थी speaker के साथ. It was huge. I like it. I like this place. अब cycling भी मेरा experience अभी तक अच्छा रहा है. वापस निकलते हैं, देखते हैं और कैसा रहता है. So guys, it is drizzling now. जिस बात का मुझे डर था वही हो रहा है. इट इज ड्रिजलिंग और इस तरह की ड्रिजल, इट्स नॉट गुड. सो आई हैव टू मेक इट फास्ट. बादल भी जोर से गड़गड़ा रहे हैं. It's not a good sign, baby. अब जो उतराई में जो आसानी हो रही थी और चढ़ाई में उतनी ही मुश्किल होगा. आने के टाइम पर तो बहुत आसानी से भागते भागते आ गया, लेकिन अब जाने के टाइम पे क्योंकि ज़्यादातर ढलान थी इसमें, अब ज़्यादातर चढ़ाई होने की, तो जितना भी खाया पिया है सब निकलने वाला है. हवा भी अच्छी खास ठंडी हो गई है. ढलान आते इतना सुकून मिलता है ना, कुछ कहने की जरूरत नहीं है. बैलेंस बनाओ, चलते रहो. बीर बिलिंग में आके अगर साइकिलिंग नहीं करी तो क्या किया. दिल्ली वालों के लिए अच्छा मौका है यहाँ पर आके अपने लंग्स को साफ करने का और अपनी कैपेसिटी बढ़ाने का. ऐसी चढ़ाई आती है जो दम लगा रहा है. हारी बाजी को जीतना हमें आता है, हार नहीं मानूंगा. पहुंच के रहेंगे हम बीर. माए ने मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी तू दूर. नेचर को पूरा अंदर तक, शरीर के अंदर तक महसूस कर पा रहा हूँ मैं. वाह, और एक्सरसाइज के साथ ही साथ
Shimile Nivasana Kasali Nivasana Veer Ana Jaru. Arey baap re, fir se chadhai aage. उतराई में बड़ा मजा आ रहा था, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था, और अब चढ़ाई में लग रहा है कि सब कुछ करना पड़ रहा है। सारी मसल्स, पैर की, पेट की, सब स्ट्रांग हो जानी है। सुनसान रोड़ों पे एक अकेली साइकिल के साथ हम चले जा रहे हैं मंजिल की ओर। तो गाइस, फौजी ढाबा आ गया। फौजी ढाबे से आपको दो कन्फ्यूजन वाली रोड्स मिलेंगी, तो आपको लेफ्ट में रहना है। जब आप बीर से आ रहे हो तो लेफ्ट वाली रोड पे ही चलना है। वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, वतन की हमसे है, इंसान हम रख वाले। ये है पैराग्लाइडिंग लैंडिंग साइट और हम ऑलमोस्ट बीर पहुंच चुके हैं। अब ये साइकिल जमा करके आई विल बी गॉन टू होम, बट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। इतना मुश्किल भी नहीं था जितना लग रहा था, और मौसम अब खुल गया है। बीच में बारिश हुई थी हल्की सी, लेकिन इट्स नाउ गुड, इट्स ओपन। तो गाइस, फाइनली हमारा सफ़र ख़त्म हो चुका है। मैक्लोड गंज, धर्मशाला, बीर बिलिंग, पैराग्लाइडिंग, साइकिलिंग, एवरीथिंग इज़ डन। अब वापस चलने का टाइम आ गया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर, लाइक, कमेंट, शेयर, व्हाटएवर यू वांट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।